अल्लाह लेकुम नाजरीन हम इस वक्त मौजूद हैं इतवार बाजार में जो कि जी सिक्स इस्लामाबाद में मौजूद है आइए नाजर आवाम से जानते हैं कि उन्हें यहाँ के किस तरह के मसाइल दरपेश हैं मार्किटों में रेट वगैरह चलता है उसमें और इसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है काफी कमी होती है इसमें काफी बेहतर होता है यहाँ के रेट से आप मुतमिन है हाँ रेट कैसे मुतमिन हाँ, और सफाई का जो निज़ाम है निज़ाम ठीक नहीं है क्वालिटी में भी फ़र्क है लेकिन रेट तकरीबन ठीक है मौजूदा से क्या आपका कोई गिला शिकवा मौजूदा हुकूमत से शिकवा यह है कि टैक्सों की भरमार कर दिया गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है नया टी वी चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे हम उसके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है वो हुक्मरान तक पहुँचाई है हम उसके बहुत बहुत, बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारी ये भी गुजारिश है इस चैनल के थ्रू चकवाल रोड जो है उसको ब्राई करम बनवाए तीन साल हो गए अभी तक उस परफ्त नहीं हो सकी। है। की रेट से आप है। हाँ, आज तो ठीक है आज बेहतर है बाकी ये जो सफाई का निज़ाम है, है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का को इशू। भी नहीं है कोई नहीं चल रही है अल्लाह के नाम पे ऐसे तो बुरे हालात है यहाँ के रेट से मुतमइन है आप बिल्कुल मुतमइन है जी बाकी जो मार्केट्स में है उधर से इधर कोई फर्क नहीं है नहीं कोई फर्क नहीं नहीं अच्छा है ये बाजार जो है ना इतवार बाजार तो ये जो सफाई का निजाम है इधर का ये तो फिर चलता रहता है साथ ही है हमारे जैसे इंसान वो है वो भी हुक्म करते हैं वो नहीं मानते भैया तो हम एक दूसरे के साई टीवी नया चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे अच्छा हम दुआ करेंगे हम या वो इधर की रेट से मुतमिन आप ये मुझे रेट या पता नहीं है अभी नहीं आई है ना यहाँ की जो सफाई का निज़ाम है उससे क्या लगता है आपको सफाई ठीक नहीं।, नहीं है ना ये तो बहुत गंदी पिलाई है ये सिक्योरिटी का कोई इशू इधर कोई इतना नहीं है सलामकम वालेकमल सलाम सर यहाँ की रेट से मुतमिन सर काफ़ी हद तक मुतमयन है और काफ़ी हद तक मुतमिन भी नहीं है जो बाहर बाजारों के रेट वही रेट पर यही भी सौदा मिलता है जो कि उस तरह सहूलत से नहीं मिलता जिस तरह होना चाहिए और सफाई का भी बहुत नाकस निज़ाम है सर मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे सर यही देना चाहते हैं अगर ये इतवार बाजार गरीबों के लिए बना हुआ है तो ये गरीबों के लिए ही बनना होना भी चाहिए इस पर अमल भी होना चाहिए नया टी वी चैनल आ रहा है उसके लिए क्या पैगाम देंगे बस सर यही पे देंगे देखें कि अगर मीडिया भी अपना अच्छा किरदार अदा करे गरीबों के लिए स्पेशल तो बहुत अच्छा होगा बाकी बाजार से ही रहा है बादार से, से फर्क है तो। कुछ लिया भी नहीं ना। <laughs> तो सफाई का जो निजाम है बहुत अच्छा सफाई है ना, ना वो भी सही है इनका सफाई भी सही है रेट भी सही है अभी तो है नहीं टी वी नया चैनल आ रहा है उसके लिए क्या पैगाम देंगे बहुत अच्छा टी वी सब को हमारा सलाम सर हम देख रहे हैं उन सब मैं आज सुबह मंडी गया था वहाँ से मैं मटर लाया डेढ़ सौ रुपये दड़ी यहाँ पे छब्बीस रुपये किलो है यहाँ पे एक सौ तीस रुपये धड़ी है तो उधर से लाया मैं टमाटर चालीस रुपये किलो यहाँ पे तीस रुपये किलो है बस ठीक है अफसोस हो ही हैं एक्चुअली जहिर जो दुकानदार हैं वो रेंट पे करते हैं तो उनका डेफिनेटली वो रेट उनके चार्जेस ज़्यादा ही होंगे और जो जुमा बाज़ार है यहाँ बस इकनॉमिकल हैं सब के लिए ज़रा कन्वीनियंट होता है यहाँ से आके हर चीज़ ले लेते हैं लेकिन ओवरऑल रेट के चेक एंड बैलेंस सच वैसे नहीं रहे जो जनरल जया के ज़माने से जब स्टार्ट हुआ था और जो चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल था ऐसा जिस नहीं है बस ये है आम हम जैसे जो आ, एक लिमिटेड इनकम वाले जो लोग हैं वो लोग तो बाजार की जो सफाई का निज़ाम है उससे आप मुतमिन हैं बस गुजारा है गुजारा है ऐसा जिस तरह कंट्रोल नहीं है मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है सारी दुनिया खप रही है पूरी कौम खप रही है आम मतलब आम पब्लिक सब शोर मचा रहे हैं और वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है एज़ इट इज़ रेट कहीं कम है कहीं ज़्यादा है दुकानदार अपनी मर्जी से लगा लेते हैं जब कोई पूछता है तो फिर बताते हैं कि नहीं ये नहीं ये रेट है लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर ये सी वाले अगर कोशिश करें तो ये कंट्रोल फिर वजन में चीज़ें कम होती हैं वो पूरी नहीं देते सिटी डी वालों से शिकायत करो तब जाके फिर वो पूछते हैं फिर जाके वो आप जो पालक है जिस तरह दूसरी चीज़ें हैं जो फिक्स रेट पे देते हैं ये वो पूरी तरह से वजन में पूरी नहीं होती उनमें कमी पेशी ज़रूर होती है फिर इसमें रेट में भी कमी पेशी करते हैं ये यहाँ का जो सफाई का निज़ाम है उससे आप मुतमिन लगते हैं कि नहीं है फिफ्टी फिफ्टी है काफ़ी इस साइड पे तो अच्छी सफ़ाई है लेकिन बाज़ार दूसरे सब्ज़ी वाले बाज़ार में जाएँ वहाँ पे जाके फ्रूट वाले में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है वहाँ पे सफ़ाई का इंतजाम बेहतर नहीं है तो इस तरफ कोई कतरे बेहतर है ऐसे में आप मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे भाई यही हम कहना चाहते हैं कि सी वालों को चाहिए कि वो कंट्रोल करें इनको और देखें और चेकिंग करें और जो बजाय इसके कि हम गा गा शिकायत करें वो खुद जाके चेक करें सुबह सुबह और दरमियान में भी चेक करें गाहे वगहे चक्कर लगाएं और जो रेट कम या ज़्यादा करते हैं जो चीज़ों में जो पूरी नहीं करते वो वो नाप तोल में कमी पेशी करते हैं इस पर नज़र रखेंगे ईसाई न्यूज़ नया टी वी चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे कौन सा रहा जी ईसाई टी वीसाई टी वी जी अब उनसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ये जो बाजारों में हर तरह इस तरह परेशानी में लोग फिर रहे हैं अगर इनकी ये थोड़ी सी मीडिया हौसला अफजाई करे इसमें आगे तावन करे दुकानदारों के दूसरों तीसरों के मामला जो हैं आपस में सेटल कर लें अगर ये कोशिश करें तो ये हो सकता है जी ठीक है जो यानी कंट्रोल्ड रेट्स सी की तरफ से आए हुए हैं नॉर्मली जिसको भी आप चेक करें तो उसके रेट्स हैं ऑलमोस्ट वो ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई ज़्यादा तो कोई चार्ज कर रहा हो या कुछ ऐसा इशू नहीं तो सफाई का जो इधर निज़ाम है उससे आपको क्या लगता है अच्छी और भी हो सकती है होनी चाहिए इंतजामिया को थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए लेकिन इस इंतज़ामिया के साथ साथ लोगों का एजुकेट होना भी ज़रूरी है जो अब मेरे हाथ में कोई रैपर है मैं यहाँ फेंक दूँगा तो सफाई इंतज़ामिया यानी किस हद तक कर सकती है उसको वो भी एक लिमिट है ना तो इसमें पीपल्स जो हैं वो भी एजुकेट उनका होना ज़रूरी है तो बहरहाल ठीक है बेहतरी तो हर चीज़ मीडिया के थ्रू तो 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 कोई मैसेज देना चाहें बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक वेल एजुकेटेड जो है शहरी और सिटीजन इस कंट्री का रिप्रेजेंट करें हर शोबे में सिर्फ इससे हट के जहाँ पे भी जाएं वो अपने आप को एक अच्छा मुल्की और शहरी करें नया चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे फॉर द बेस्ट सर सलाम हमने कुछ खरीदारी नहीं की वैसे ये छोटे छोटे जूते लिए हैं दो एक जोड़े चार चार सौ रुपए के मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या मुतमिन होंगे ये महंगाई है बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इस बारे में यहाँ के रेट जो है उनसे मुतम है आप ठीक ही हैं इतने मतम नहीं है मगर फिर भी बाजार से ठीक ही हैं आम मार्केट से ठीक है सफाई का जो निज़ाम है उससे क्या लगता है आपको सफाई का निज़ाम ठीक ही है मगर जाहिर सी बात है जहाँ इतनी रश होगी वहाँ फिर कुछ मसले मसाइल तो होंगे मीडिया के थ्रू किसी को कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो रेट के मतलब प्रापर तरीके से इंतज़ाम उसको चेक करें ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना हो और सफाई का इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए जी वैसे चक्कर माने आया देखो क्या हो रहा है रसाई टी वी नया चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे रसाई टी वी रसाई टी वी अल्लाह करे कामयाब को मैं कहता हूँ कि अच्छा चले यानी चाहते पॉप हो सर फिलहाल तो हम मुतमिन नहीं हो रहे क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं अब कि वो टू हंड्रेड बता रहे हैं एक सेट का ये टू फिफ्टी बता रहे हैं लेकिन इनका रेट से हम कुछ मुतमिन नहीं हो रहे जो इस्लामाबाद की ओवरऑल दूसरी मार्केट्स हैं उनमें और इनमें कोई फर्क नज़र आता है आपको ज़रूर आता है जो उधर मोड पर है वो इनसे सबसे बेस्ट वो है तो इधर जो सफाई का निज़ाम है सफाई कुछ खास नहीं है मीडिया के थ्रू कोई मैसेज देंगे मीडिया की तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इधर से जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है वो कम करवाएं और अपनी सफाई का खास कर ख्याल आ, रेट सब्जी के तो रेट्स कुछ ठीक लग रहे हैं फ्रूट के रेट्स थोड़े से ज़्यादा है। हैं जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं इस साइड सफाई का तो आप सामने देख सकते हैं कूड़ा करकट हर जगह पर पड़ा हुआ है छिलके लिफाफे और एवरीथिंग गार्बेज गारबेज वाली चीज़ें सामने नजर आ रही हैं मीडिया के थ्रू यही देना चाहेंगे कि सफाई और हाइजीन पर कंप्रोमाइज़ ना करें और जो मुतलका इदारे हैं वो सफाई का इंतज़ाम बेहतर बनाए इधर सही टी वी नया चैनल आ रहा है उसके लिए कोई पैगाम देंगे आ, बेस्ट ऑफ लक इनशा तरक्की करेगा सफाई के निजाम के हवाले से जो कहा जाए तो यहाँ पर ना है क्योंकि सफ़ाई है कोई नहीं बच्चे भी आते हैं बड़े भी होते हैं तो गंद इस तरह इतना फैला हुआ है हर तक कैबिज बॉक्स डालना चाहिए इन लोगों को चाहिए कि यहाँ डस्टबिन बनाए कोई जिसको यूज़ टू हो ताकि सफाई के लिहाज से उस हिसाब से नहीं जाता कि सीटी के अंडर है सिटी के अंडर होने के बावजूद भी नाकस कारकर्दगी है इसकी जो ये सफाई का निज़ाम है वो आपको कैसा लगता है सफाई का निज़ाम थोड़ा सा ठीक नहीं है ये ठीक करना चाहिए इंतज़ामियों को चाहिए कि ये सफाई का थोड़ा निजाम जो है इसको बेहतर करें है? हाँ डिफरेंट तो है लेकिन वो उतनी क्वालिटी की जो है वो क्वालिटी उतनी कम हो जाती है उसमें ये भी है यानी कि वो वो अगर आप कोई चीज़ लेते हैं मिसाल के तौर पर गाजर है या फ्रूट है तो उसमें दो किस्म के फ्रूट होते हैं वही एक जो बाज़ार में मिल रहा है मिसाल के तौर पर सेब है वो एक सौ दस रुपये किलो मिल रहा है तो यहाँ भी वो जो अच्छे वाला एक सौ दस रुपये है